दोस्तों आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है, वो भी अपने मोबाइल में बिल्कुल फ्री में कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बनी रहेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में उस पर आपको डाल देना है uitai.gov.in। इतना डाल के आपको सर्च पे प्रेस कर देना है। तो आप सर्च पे जैसे प्रेस करेंगे ये नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। तो आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पे आपको प्रेस कर देना है जो लिखा होगा uitai.gov.in, और नीचे लिखा होगा होम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको इस पे प्रेस कर देना है। तो आप इस पे जैसे प्रेस करेंगे ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट आधार। तो गेट आधार में लगभग 5-6 ऑप्शन होगा जो कि यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड आधार। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड आधार, तो आप डाउनलोड आधार पर प्रेस कर दीजिएगा। तो आप डाउनलोड आधार पे जैसे प्रेस करेंगे तो ये वेबसाइट हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। अपने मोबाइल में स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड आधार, तो आपको इस पर प्रेस कर देना है। तो आप इस पर जैसे प्रेस करेंगे ये नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आधार नंबर पे टिक हुआ है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, एनरोलमेंट आईडी है, तो आप एनरोलमेंट आईडी पे टिक कर लीजिएगा। और इसको टिक करने के बाद में यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डाल दीजिएगा, और यहाँ पर एंटर कैप्चा को, यहाँ पर ये जो कैप्चा लिखा है इस कैप्चा को एंटर कर लीजिएगा, और सेंड ओटीपी पे आपको प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड नंबर से कैसे डाउनलोड किया जाता है आधार कार्ड को। तो आधार कार्ड नंबर पे हम इस पे टिक कर देते हैं, और टिक करने के बाद में आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, और आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में इस कैप्चा कोड को भी एंटर कर लेते हैं, और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में सेंड ओटीपी भी हम प्रेस कर देंगे। तो सेंड ओटीपी पे हम जैसे प्रेस करेंगे ये हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, एक मैसेज गया होगा। तो उस मैसेज को जो है यहाँ पर नीचे फिल कर देना है, और ओटीपी को जो है फिल करने के बाद में यहाँ पर 6 अंक का जो ओटीपी गया होगा मोबाइल में उसको फिल करने के बाद में आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड पे आपको प्रेस कर देना है। तो वेरीफाई एंड डाउनलोड पे जैसे प्रेस करेंगे ये आपका आधार कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिख के आ भी गया कंग्रेचुलेशंस, और नीचे लिखा हुआ है योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड। इसका मतलब है कि आपका आधार कार्ड जो है डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे उसको ओपन करेंगे। तो मैंने जो है डाउनलोड किया है, तो डाउनलोड में से इसको हम ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद में ये देखिए ओपन हो रहा है, थोड़ा समय ले लेगा। तो आपके आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है उस नाम का जो है 4 अंक आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा, और डेट ऑफ बर्थ का सन आपको एंटर कर देना है, और एंटर करने के बाद में आपको सबमिट पे प्रेस कर देना है। तो आप सबमिट पे जैसे प्रेस करेंगे ये आपका आधार कार्ड पूरा ओपन होके आ जाएगा। तो ये देखिए आपका आधार कार्ड जो है पूरा यहाँ पर शो होके आ गया है। तो आप यहाँ से जो है बहुत ही आसानी तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है और किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।